हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोगों का प्यार भरा नमस्कार। माय चैनल में बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का। और अभी बज रहा है 4 बज रहा है और मैं अभी नहाई हूँ। ये सर पर मेहंदी लगा ली थी, एकदम बाल सफ़ेद सफ़ेद हो गया। ठंड के मौसम में ना मन नहीं करता है यार मेहंदी लगाने, लेकिन सुबह बाहर सामने दिखने लगता है ना पूरा, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखो मेरा कलर हेयर क्या हुआ। क्या कह रहा है बाबू? और मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखो। हेलो हेलो हेलो, तो मेरे यहाँ ये कछुआ है। और क्या कर रहे हो बेटा? अभी हम जा रहे हैं आज बनाने लौकी का कोफ्ता, तो कोफ्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए किचन में। और देखिए मैं अपना स्टैंड लगाने के लिए लेके आई हूँ। तो आधा इधर तैयारी कर चुकी हूँ, इधर लौकी, आधा मैंने कद्दूकस कर लिया, आधा करना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आज मैं अपने मायके में बना रही हूँ फर्स्ट टाइम लौकी का कोफ्ता। तो लौकी कोफ्ते के लिए मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। इसको मैंने धो लिया था पहले ही और इसको कद्दूकस कर ली हूँ, कर रही हूँ। तो आप लोग बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जो कद्दूकस की हुई लौकी है इसका सारा पानी मैं निचोड़ने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि अगर इसका भजिया बनाया जाएगा तो गीला गीला रहेगा, इसलिए इसका पानी निचोड़ लेते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, इसका सारा पानी, कोशिश कर रही हूँ कि सारा पानी निकल जाए। तो मैंने सारा पानी इसका निचोड़ लिया है। यहाँ पे लहसुन और मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है और आधा कटा हुआ प्याज मैंने डाला है और गरम मसाला है, हल्दी नमक है और इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बिना बेसन के तो भजिया बनता नहीं है, तो इसमें फाइनली मैंने बेसन ऐड किया है और पानी थोड़ा भी ऐड नहीं किया है। उसके बाद से मैंने कढ़ाई को पहले ही गर्म करने को रख दिया था, इसमें ऑयल ऐड कर लिया। अब इसका छोटा छोटा भजिया मैं डाल रही हूँ, ये जल्दी से फटाफट होने वाला है मेरा भजिया। तो आप लोग बने रहिए। मैंने इसमें एक प्याज और एक टमाटर, 3 मिर्च और जीरा, इसको एक साथ मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब इसका मैं जा रही हूँ ग्रेवी बनाने। अब मैंने फिर से इसको कढ़ाई को रख दिया है गरम करने के लिए पहले से ही, तो ये ऑलरेडी गरम हो गया। इसमें मैंने तड़के के लिए बस जीरा और मेथी का दाना डाला है। उसके बाद से जो ग्रेवी मैंने पीस रखा था उसको डाल दिया और इसमें गरम मसाला है, हल्दी नमक ऐड कर लिया है और बस यही देसी जो घरेलू मसाला होता है वही मैंने डाला है। अब देख सकते हैं कि मेरा मसाला अच्छे से पक गया है और तेल ऑयल छोड़ने लगा है किनारे किनारे। तो मेरा मसाला एकदम तल के तैयार हो चुका है। इसमें अब लास्ट थोड़ा सा और पकाऊंगी, उसके बाद से इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो इसको पानी ऐड करके और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद खोल के इसको देखेंगे कि पानी पक चुका है, तो इसमें जो भजिया मैंने तला है उसको मैं फाइनली डाल दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, उसको देख रही हूँ, तो पानी अच्छे से पक गया है। इसमें ये जो भजिया मैंने तल रखा था इसको रखा है, उसमें डाल दिया है। उसके बाद इसको भी 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद से फाइनली ये मेरा कोफ्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखिए कैसे मेरा कोफ्ता फटाफट तैयार हो गया और वो भी चटपटा, एकदम गांव वाला एकदम लुक इसमें आ रहा है। तो आप लोग भी बनाइएगा। तो कैसा लगा मेरा कोफ्ता? कोफ्ता हमारा बन के रेडी हो गया है हमारे किचन में। हाँ बेटा,
हम कोफ्ता बना देनी चलो कोफ्ता बन गए हां लौकी का कोफ्ता तो तनी गाना सुना दो कर संती हां का सुनाइबू आ कुछ सुना दे चुटकुला है वो दुलाइन का अच्छा बोली बोलो भारत देशवा में चोरवा घुसिया गइले भेदिया भइले भारत बसिया हाँ मोदी जी से बनी अन्नदान लक्ष्मी के पहले बारा कइले घर घर उपजतिया ये भाई मोदी जी का बेइज्जती करता हूँ भाई घर घर उपजल कुमतिया हाँ मोदी जी से बनी घनघोर बेइज्जती मोदी जी का फिर भी हम वीडियो डालेंगे ये वाला अम्मा बहुत अच्छा अच्छा सही में गाना गाती हैं अभी इनसे बहुत सारा गाना सुना है रोज रोज सभी ब्लॉग में गाना ही गाएंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा अम्मा से सुनाते रहेंगे अच्छा लगे तो यहाँ पे देखिए बाबू और बाबा आपस में खेल रहे हैं बाबा को डांट रहे हो तुम डांटी है के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज का कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा गांव में देसी जुगाड़ से सब कुछ पॉसिबल है तो कोफ्ता वैसे भी बनाया जा सकता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 हेलो गाइस हेलो गाइस।